देखिए भाई, फाइनली जिसका इंतजार था वो तबाही चीज आ चुका है, यानी प्रभास सर की सलार की टीजर। लेकिन भाई लिटरली हमने इससे कुछ ज्यादा मांगा था, बट इस 1 मिनट 47 सेकंड के टीजर में प्रशांत नील तो सलार का शक्ल तक भी नहीं दिखा है, बस उसका भौकाल दिखा दिए है। सलार के इस दुनिया में औकात है क्या? वो भी रॉकी भाई जैसा अपना एक दुनिया बनाया है, जिसे इन भाई साहब ने जुरासिक पार्क बोला है। और उस जुरासिक पार्क में एक जानवर रहता है जो हाथी, टाइगर, लायन, चीता से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। यानी सीधी सी बात, इस जुरासिक पार्क के डायनासोर अपने प्रभास भैया हैं। और भाई इस टीजर के हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है इस सलार का टाइमलाइन केजब से 10-15 साल आगे का है, क्योंकि जहाँ केजब में पुराने जमाने की क्लास निकाव जैसी बंदूक थी, तो इस वाले सलार में नए जमाने की बंदूक है। और इसके बाद फिल्म का बाकी कैरेक्टर, कपड़े और कॉस्ट्यूम भी पुराने जमाने के नहीं लग रहे। सैड लगता है इसमें भैया प्रभास सर डबल रोल प्ले किए हैं, एक बाप का और दूसरा बेटा का। जो ये टीजर आया है ये सलार का बेटा वाला कैरेक्टर का है, और जो बाप वाला कैरेक्टर होगा सलार का शायद वो रॉकी भाई के जमाने का होगा, और उसी ने ये माइन अपने बेटे को सौंप दी होगी, जिसके बाद से ये सलार यहाँ का डायनासोर हो गया है। भाई इसी प्रकार का माइन अपने रॉकी भाई भी बनाए थे केजब के रूप में, लेकिन वो अपने केजब को बचा नहीं सके, क्योंकि वो सलार के लेवल को वायलेंस करने वाले इंसान नहीं थे। इस टीजर के हिसाब से कोई सलार की माइन पर कब्जा किया उसमें जल्दी जाने का भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ एक डायनासोर रहता है यानी सलार, जो अपनी बंदूक और तलवार से हर समय खून खराबा करने के लिए रेडी रहता है। देखिए यश भाई की केजब में सोने की खदान थी, बट इस सलार भाई की पेट्रोल की माइन है। और इसके बाद केजब में माँ वाला सेंटिमेंट था, तो इस सलार में प्रशांत नील दोस्त वाला सेंटिमेंट डाले हैं। भले ही दोनों फिल्में सेम यूनिवर्स की हो, लेकिन दोनों के कैरेक्टर को एकदम अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ये तो पक्का है प्रशांत नील केजब से भी बड़ी चीज बना दी है सलार को। और ऊपर से प्रभास सर के स्टारडम के कारण इस मूवी को 1500 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और हम ऑडियंस प्रशांत नील पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ये इंसान ओम राउत जैसा फेल नहीं होंगे। प्रशांत नील का डायरेक्शन से लेकर राइटिंग तक सब टॉप लेवल का होता है। और हाँ, इस टीजर में मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन का भी एक सीन आया है। सो अब देखना ये होगा ये सलार के अपोजिट में किस प्रकार का विलन बनते हैं। बाकी आपको कैसे लगे सलार का टीजर हमें कमेंट में जरूर बताना, और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।